अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे सब। मैं हूँ आपका होस्ट इरफान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वी एफ डी एंड रिपेयरिंग लैब। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा पच्चीस आर आई ए आई जो हमारा SCR थायरिस्टर है, इसको कैसे टेस्ट कर सकते हैं, यानी कि प्रैक्टिकली आप इसको कैसे टेस्ट कर सकते हैं, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो मेरी आप लोगों से पहले रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका फौरी नोटिफिकेशन आपको मिल सके और फौरी वीडियो को देख सकें। तो इसकी टेस्टिंग बहुत ही आसान है, बाकी SCR के ऊपर भी मैं वीडियो 2 से 3 वीडियो बना चुका हूँ कि उसको कैसे टेस्ट करते हैं। ये भी सेम SCR है, तो इसको टेस्ट कैसे करते हैं अब देखते हैं वीडियो में। तो जिसके लिए आपको सप्लाई चाहिए या बैटरी आपके पास अवेलेबल है 12 वोल्ट की या 9 वोल्ट की, तो उससे भी आप टेस्ट कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आपके पास अगर पावर सप्लाई है तो उससे भी टेस्ट कर सकते हैं। आपके पास कोई भी SCR है, आपके पास एक लैंप होना चाहिए, 24 वोल्ट तक ले लें कोई भी लैंप, या जितने वोल्ट पे टेस्ट करना चाह रहे हैं उतने वोल्ट का लैंप ले लें आप। तो ये जहाँ पे स्क्रू लगा होता है इसको, ये इसकी एनोड होती है, और ये बड़े वाली पिन जो होती है ये कैथोड होती है इसकी, और ये छोटी वाली जो पिन है इसकी ये इसका गेट है। तो आपने क्या करना है कि लैंप का एक सिरा जो है वो आपने एनोड पे लगा देना है, और एनोड पे लगा देना है, और आपने जो आपकी नेगेटिव सप्लाई है वो आपने कैथोड पे लगा देनी है, और पॉजिटिव पे आपने सिग्नल देना है पॉजिटिव का। आपने क्या करना है फ्रेंड्स, पॉजिटिव सप्लाई जो है एक सिरे को दे दी लैंप को, और वहाँ से हमने सिग्नल के लिए एक जम्पर ले लिया है, उसको 100 ओम की रेजिस्टेंस लगा ली है, और लैंप का जो दूसरा सिरा है वो हमने एनोड पे लगा दिया है, कैथोड पे हमने नेगेटिव दे दिया है। अब पॉजिटिव का सिग्नल जो है गेट के ऊपर देंगे हम। तो ये देख सकते हैं हमारा लैंप जो है वो चल चुका है। और हमारा जो SCR है वो होल्ड हो चुका है। तो अब हम इसको कॉमन का जब जम्पर देंगे तो ये हमारा SCR जो है ऑफ हो जाएगा। तो ये हमारा SCR जो है ऑफ हो चुका है। इस तरह फ्रेंड्स आप अपने SCR को टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपका SCR इस तरह वर्क नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कि आपका SCR जो है वो ख़राब है। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो ये भी पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर लाजमी किया करें, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।